चलिए तो नमस्कार, ये छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में किसानों से होने वाली धान खरीदी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बीते दिन छत्तीसगढ़ तक चैनल के एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में किसानों से होने वाली धान खरीदी से जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी संबंधित कई सारी बातें बताई है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहे, चलिए सुनते हैं। दूसरे प्रदेश की तुलना कर लें तो वहाँ धान खरीदी कीमत क्या है, चाहे हम झारखंड चल दें, उत्तर प्रदेश चल दें या दूसरे राज्य में चल दें, सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हम न केवल समर्थन मूल्य खरीद रहे हैं बल्कि इनपुट सब्सिडी भी दे रहे हैं। जबकि स्वामीनाथन कमेटी लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी, आय तो दुगुनी हुई नहीं लेकिन उत्पादन लागत जरूर दुगुना हो गया। तो ये जो कह रहे हैं कि झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, और यदि मैं तो फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि देश में जितने भी अनाज उत्पादन हो रहा है एमएसपी में खरीदी करने की घोषणा करे, उसकी व्यवस्था करे, घोषणा न करे व्यवस्था करे, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कर रही सरकार। अब तो हम 20 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे हैं, तो खरीदी की व्यवस्था कर दे। किसान पूरे देश को बहुत आगे ले जाएगा, तो ये काम होने नहीं। अब चुनाव आ गए हैं तो झूठ बोलने का अलावा कुछ नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विधानसभा में मैंने एक बार निवेदन किया, भैया चलो एक बार प्रधानमंत्री से हमारा चावल खरीद ले, और चावल भारतीय मतलब केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से अन्य अनाज खरीदती है, धान गेहूं वगैरह खरीदती है, लेकिन कुछ राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं खरीदते। और छत्तीसगढ़ में व्यवस्था ये है, चाहे राज्य सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ बना है राज्य सरकार खरीदती है, वो विपणन संघ के माध्यम से खरीदती है, मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से, मार्केटिंग फेडरेशन को स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है। इस साल 22,000 करोड़ की गारंटी हमने दी राज्य सरकार ने, उस एवज में वो लोन लिए और उसका पैसा पटाए, और हर साल राज्य सरकार है जितने भी, चाहे वो सुखद का हो, गीला होने के बाद हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इसमें जितना भी घाटा है राज्य सरकार सहन करती है। 2012 से लेकर 2022 तक के 15,000 करोड़ का नुकसान हो राज्य सरकार ने वहन किया। केंद्र सरकार यदि चावल नहीं ली तो जो बचे हुए धान को हमने नीलामी भी किया, उसका घाटा जो 1300-1400 रुपये में जो धान हमने बेचा और खरीदा कितने में, 1900 रुपये में, तो जो अंतर की राशि उस घाटे की भी राज्य सरकार ने वहन किया, ये है। तो धान छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ही खरीदती है, हमसे वो चावल खरीदती है, तो ये कहना गलत है कि केंद्र सरकार धान खरीदती है जी। तो चलिए भाई, इस तरह से आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाली धान खरीदी से संबंधित कई सारी बातें बताई हैं। वैसे किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में होने वाली धान खरीदी को लेकर आप लोगों को क्या विचार रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय जोहार, नमस्कार।